some ghostly. I am very angry. Why? राम राम जी सारे ने भाई, पुराना किला आए हैं अभी। इसका भाई आते ही है ना, बोले कि कैमरा अलाउ नहीं है। मैं यार मोबाइल का भी तो कैमरा होता है, मोबाइल से सब क्यों करते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले कि ये वाला जो गोप्रो है वो अलाउ नहीं है, बाकी सब अलाउ है। मैं भाई अपने कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, सासा वाले फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई सेक बहुत ज्यादा आएगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लियो। आज दिस इज अमेजिंग, राइट? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये कुछ मुझे पता नहीं भाई किस चीज के लिए बना रखा उन्होंने। दिस मे बी गोइंग टू अपस्टेयर। अपस्टेयर यू वॉन्ट टू गो? हाँ ओपन है भाई, यहाँ पे तोड़ रखा है इन्होंने, जाने का रास्ता तो है। मे बी दे डोंट अलाउ, आई थिंक मे बी वी डोंट गो। सी है बिल्कुल स्ट्रेट, वेरी केयरफुल है। भाई मैं इसको कह रहा था ऊपर चकचुंदर है, चकचुंदर है, बाहर आ जा। मुझे इंग्लिश में तो याद नहीं है भाई उसको क्या बोलते हैं, तो एकदम से मैं यूं ही कर रहा था चकचुंदर चिपक गए ना तो मुश्किल हो जाएगा निकालने। बाकी ये एरिया है ना, जो ये एरिया उस टाइम पे पांडवों ने यहाँ पे इंद्रप्रस्थ बना रखी थी, और बाद में फिर चेंज होते गए भाई। यहाँ पे टीला वगैरह था वो तोड़ बोड़ के इन्होंने, महाराजाओं ने कुछ बना दिया और ये एरिया बना रखा है। ये एरिया बनाया था शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं भी यहाँ पे काफी टाइम तक रहा था आके। ये बता रहा था भाई मैं आप लोगों को कि यहाँ पे महाभारत से रिलेटेड और जो इंद्रप्रस्थ बना हुआ था उससे रिलेटेड ये टीला था। और ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा इन्होंने यहाँ पे खोजा है, जो नीचे धरती के नीचे यहाँ पे मिला ये टीला पूरा, और यही था वो उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ बोलते थे जो पांडव के लिए बना रखा था। दिस साइड दे फाउंड दिस एवरीथिंग हियर बिकॉज दे कवर दिस एवरीथिंग, राइट? मे बी दे फाउंड हियर एवरीथिंग। यू नो It means we are standing on the same spot where people lived before, more than 2,600 years before us. Yeah. And not, yeah. This was not only just mud houses, like very simple. They had a city here. Yeah. This is amazing. This is amazing. Yeah. They say here that when they started excavation of this old fort, this area, they found evidences of 10 cultural periods. Yeah. Before 4th century also here. 19th century and back to Maurya period also, yeah. That time Ashoka related that time. 6th century, 7th century that time they Buddha and they born that time. This is before Christmas. So this is back 600 years back. Yeah. So 2,600 years back. Yeah. About this is not just a simple mud houses, yeah, where live simple people. They made a city properly, yeah, with the architecture and roads, with, yeah, drainage system, forum house. This is a complex. भाई सही बात है। यहाँ पे ये देख रहे होगे आप, ये एक प्लान्ड सिटी है भाई। वो जब मोहनजोदाड़ो वाली और वो हड़प्पा वाली वो फाउंड की थी, और जिस बेस पे अपने चंडीगढ़ बना हुआ है उसी बेस पे, तो एग्जैक्टली। और एक दूसरी बात ये भी है भाई, जितने किले वगैरह बने हुए हैं ना, जितने भी मुगल काल में उसमें बने हैं, सभी के सभी ऐसी जगह पे बना रखे हैं जहाँ पे अपने हिंदू कल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, उसी के ऊपर बना रखे हैं। बाकी यू मुझे समझ नहीं आता भाई उनको क्या दिक्कत थी कि जो हमारा हेरिटेज थी उसको तोड़ के अपने बना रखे हैं जितने भी बना रखे हैं। हाँ भाई अब
ठीक है भाई, बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन भाई वो साइड में बना सकते थे, ऐसा तो वो नहीं था भी कि जगह की कमी थी उस टाइम। बस थोड़ा है इसी बात से दुख होता है कि 2000 साल से ज्यादा निकल गए, और भाई इंडियन जो था पांडव से रिलेटेड, और भाई कुषाण और मौर्य, और फिर उसके बाद अलग अलग जितनी डायनेस्टी आई उनका सभी का था यहाँ पे, वो डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ जितना भी है। थ्रू हेयर, हाँ थ्रू हेयर पॉसिबल टू गो लुक, बट दिस इज वेरी बैड, लाइक ए लुक लाइक ए वेरी हेल कंडीशन लुक। ये अंडरग्राउंड चैनल है या कुछ अच्छा नहीं, उस टाइम ये अंडरग्राउंड चैनल बना रखी थी या कुछ और बना रखी? अच्छा चले जाते हैं फिर भी, दिस इज क्लोज। यहाँ पे है ना बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है येरी, यहाँ दिस वन वहां से क्लोज रखी है भाई उस साइड से उन्होंने। यू वांट टू चेक, अंडरग्राउंड बना रखी है भाई, एक पूरी इमारत बना रखी है अंडरग्राउंड जो चैनल है। ये ऊपर का एरिया है ऐसा ही सेम एज इट इज, नीचे बना रखा है इन्होंने, पूरी टनल बना रखी है चारों तरफ। Sounds maybe they use for spies and everything when somebody secretly deliver an information, maybe something like that. Maybe. Or you need to, for example, to shift family from one spot to another spot. Maybe. I am very angry. Why? I gave 300 rupees ticket. I paid like 300 rupees and just like I see everywhere this kissing couple. Seriously? जहाँ पे भी जा रहे हैं भाई, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं ब्लॉग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ जितनी कोशिश करता हूँ भाई फैमिली के ब्लॉग, तो भाई कैसा भी हो, छोटा बच्चा देख रहा हो या बड़ा देख रहा हो, किसी को यूँ नहीं लगे कि भाई थोड़ा हा शर्म भी नहीं आए, ऐसा ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। पर यहाँ पे यूँ है कि यार ज्यादा बड़े भी नहीं है, ऐसे हैं 12वीं क्लास के बच्चे और 10वीं क्लास के बच्चे हैं, और उनमें जी नहीं है एक पैसे का, और यहाँ पे भाई हरकतें ऐसी कर रहे हैं, पता नहीं भाई दिमाग तो मेरा इतना खराब हो रहा है। मैं तो सासा कह रही है अगर मैं इनके जगह होती ना, इनकी माँ होती, तो इनको इतने रखती मैं, दो दो चाटे दमा दम और पीट के ले जाती घर पे मैं, हमारे वाले भी ऐसे ही है भाई, पीटते ले जाएंगे, ऐसी हरकतें यहाँ पे तो भाई बहुत बेकार है भाई। Everyone in here, everyone, lot of people here criticize Western culture, that Western culture, they have different concept of relationship. But actually, in my culture, this is never happening. Like people don't do openly. Also, they go to the restaurant, they go to the coffee shop, they meet each other in a club. They don't like just sit and kiss in a museum. No, ये ठीक नहीं है भाई यहाँ पे, ये ठीक नहीं है। और ये सिखाने की जरूरत है हमारे स्कूल से और घर से ही। आई डोंट नो, दिस इज वेरी वियर्ड। अब वहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे भाई बड़े भी आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हरकतें तो ऐसी कर रहे हैं भाई। कुछ चीजें पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग ने कुछ चीजें बनाई हैं भाई, पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए कुछ चीजों को, वो पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। नो दिस दिस वन दे रूम में किए हैं, मे बी नॉट मेन गेट आई थिंक, एंड दिस इज लुकिंग अमेजिंग। Yeah. Very beautiful. And you imagine, like, this is just entrance, like, this is just gate. Yeah. And people decorated that much. Yeah.
सीरियसली भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग है भाई. Nowadays people live very simple. This is not about simpleness. This is about they how they don't feel the beauty. Mm-hmm. And they can't decorate. They don't want to make everything in a beautiful way. Now the people decorate just get normally and with the little bit but flower. But modern decoration comparing to this, very yeah. Modern yeah. decoration is very harsh like that. Yeah. And like, अब इतना फोकस नहीं देते भाई मेन गेट के ऊपर जो बनाने पे, लेकिन जब उस टाइम पे था सबसे ज्यादा फोकस मेन गेट पे ही रखते थे. ये चीज देखो उस टाइम पे भी इतनी ज्यादा फेमस थी, और किस टाइम की है, मौर्य काल टाइम पीरियड की. ये सिटी मैंने वहां पे दिखाई थी आपको, अभी खुदाई चल रही है वहां पे. और ये है इंद्रप्रस्थ वहां का, और ये कुछ मूर्तियां हैं जो उस टाइम की मिली है उनको यहाँ से, सातवीं शताब्दी. और ये गणेश और हाँ भाई साहब इतनी पुरानी है, 12वीं सदी की है. और शिव पार्वती और गणेश कार्तिकेय है इसमें, ब्रह्मा भी है और विष्णु भी है भाई साहब, इतनी सदी पुरानी. या और ये है सिलबट्टा अपना. यानी सिलबट्टा भी बहुत ज्यादा पुराना है भाई. मुझे वहां पे अंदर एक चीज अच्छी लगी भाई, वो सिलबट्टा वहां पे रख रखा है जो चटनी बनाने वाला, और आज तक यूज कर रहे हैं भाई, हरियाणा में तो यूज कर रहे हैं भाई. और किसी लगा रखे हैं ये कैमरे लगे हुए हैं इसमें. अच्छा, दिस इज नॉट कैमरा, दिस इज प्रोजेक्टर. हाँ लाइट्स एंड प्रोजेक्टर गोइंग. ये है भाई यहाँ की लेक, जो कुछ गड़बड़ दिख रही है. हैं यू पुट फ्लावर? आज बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आएगी शायद भाई, ऐसे दिखेगी इस पूरी की पूरी वीडियो, पूरा ब्लॉग पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन भाई जैसा है वैसा है अब तो. क्योंकि भाई अभी मैं सोच रहा हूँ यार फोन ही ले लेता, दोबारा कैमरा लेने की क्या जरूरत थी यार, मेरा भी दिमाग फिर जाता है कभी कभी. तो दोबारा से गोप्रो ले लिया मैंने, अभी यूँ सोच रहा हूँ फोन ही ले लेता इससे अच्छा. फोन से यूँ तो है कि हर कहीं एंट्री तो मिल जाती है. अब कहीं कहीं ऐसा हो जाता है भाई कि राजस्थान में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह जहाँ फोन ले जाने देते हैं लेकिन भाई कैमरा नहीं ले जाने देते. तो सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियां बांटते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई. तो भाई सारे राम राम, राम राम, मिलते हैं भाई.